सा ये इश्क है, अजब सा इश्क। वही रह तू, अपने ताऊ के साथ रह। मुझे किसी की मदद की जरूरत ना है, मैं अकेला था, अकेला हूं और अकेला ही रहूंगा, जैसे इस वक्त हूं। तुम सबके दिमाग में यही बात चल रही है ना कि भगवान ऐसा कमीना बेटा किसी को ना दे। शायद इसीलिए तुम सबके साथ बैठ के दो वक्त की रोटी मिला खा सकूं मैं। जैसे कुत्ते को रोटी डाली जाती है ना, वैसे रोटी डाले मेरी मामन ने। अपने ही घर में एक जानवर जैसी जिंदगी हो गई हमारी। अपने बाप के लिए मैं सिर्फ एक वो नलायक औलाद हूं जिसका किया हुआ कोई भी काम कभी सही नहीं हो सकता, जिसका सच भी झूठ के बराबर है। बाप सर ये दो दिन आई पुरानी लुगाई पे विश्वास हो रहा है ना, और मैं तेरा बेटा तेरा खून उसका क्या? कर विश्वास, तुम सब करो उस पे विश्वास। कोई परवाना है मैंने, कोई परवाना है। अरे तू क्यों रो रही है? अभी मरा नहीं हूं मैं, संभाल के रखियो आंसू काम आएंगे। चुप कर करम जले, इतना बोलेंगे की जरूरत है तेरे, चुपचाप रिलीज कर ले तेरे आंसू। अरे मां, घर में रहने वाला कुत्ता भी कभी ना कभी भौंके, मैं कैसे चुप रह लूं? मामा चल अभी जाके सो जाओ, कल बात करेंगे। हाँ मैं सो जाऊं ताकि तेरी वो बात जम जाए। अरे क्यों ड्रामा करें मेरे लिए गोली खाने का, जब असल में गोली तू ही चला है दूसरों के कंधे पे बंदूक रख के। हट जा राजपीर, हट जा बेटा वहां से। जो सही कह रहा है, इसको किसी की मदद की कोई जरूरत ना है। और कसम है तने बेटा, कसम है मारी, जो आज के बाद इसकी मदद करे। आज के बाद मैंने अपना मनोर चढ़ा कदर दिखाना। गरीब कौन सा तमाशा देखने के खातर खड़ी है यहां? Oh,
एक बात कहूं राजवीर? प्लीज मैडम जी, अपनी बातों को अपने पास रखो, मैंने ये सब दोबारा शुरू ना करना है। राजवीर, मैं अपने बारे में नहीं, हिम्मत के बारे में बात करना चाहती हूँ। जब किस्मत आपके साथ है तो आपको किस चीज की फिक्र है? वो तो आज बेचारा शराब पी गया था और ताऊ ने उसकी बात पर विश्वास न किया और आप बच गए, और कुछ दिनों रहने का आपको मौका मिल गया इस घर में, वरना आज तो आपकी टिकट कटना पक्की थी। मुझे अपनी फिक्र नहीं है राजवीर, मैंने अपना फैसला किस्मत पे छोड़ दिया है। अब मैं चाहे यहां रहूं या यहां से जाऊं, मैं हर चीज के लिए तैयार हूं। तो जाओ, सो जाओ। पर मेरी बात तो सुनो राजवीर, मुझे हिम्मत की हालत देखकर बहुत बुरा लगता है। ऐसा लगता है जैसे इतने बड़े परिवार में वो बिल्कुल अकेला महसूस कर रहा है। उसे ऐसा लगता है जैसे हर कोई उसे अनदेखा कर रहा है, और इस वजह से उसके अंदर इनसिक्योरिटी पैदा हो रही है। राजवीर, इस वक्त उसे किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जो उसकी मदद करे, जो उसकी तरफ हमदर्दी जता सके, उसे ये बताए कि औरों की तरह सब लोग उससे भी प्यार करते हैं। राजवीर, तुम उससे बात क्यों नहीं करते? मैंने कई बार उससे बात करने की कोशिश की और हमारी बात सुनना ही ना चाहे और खुद को बदलना भी ना चाहे। आज तो ताऊ ने अपनी कसम देके हमारे हाथ भी बांध दिए, कहते जाकर भी मैं उसकी मदद ना कर सकूं। हो सकता है कि मैं उसकी कोई मदद कर सकूं। नौ दस बस। अरे खाएगा बस भाई साहब, रवि तो 10 का एक सेट बाकी पड़िया से। पड़िया से तो पड़िया रहन दो, थोड़ा भी हिला डुला ना तो मैंने खुद पड़ जाना है। अरे कुछ ना होने का आपको, 10 वाला सेट पूरा कर लो, चलो मारो सलांग। एक। अरे भाई साहब के तो घुटनों में से भी आवाज आ रही है। दो। अरे राजेंद्र भाई साहब आ गए। अरे आओ। अरे भाई साहब क्या हाल चाल है? मैं तो बढ़िया हूँ भाई बलदेव, तू कैसा है? हाँ बढ़िया, बड़ी कृपा हमारे बजरंग बली की। भाई मैंने तो पता चला था कि इनकी पीठ में जो है ना चोट लग रखी है। हाँ। और इनसे हिला डोला भी ना जा रहा, इसलिए इनका हाल चाल पूछने चला आया मैं। पर यो तो भाई साहब अच्छी खासी उठक बैठक लगा रहे। सर लगा नहीं रहा हूँ, लगवाई जा रही से। रा भाई साहब, रा एक ही रात में इनकी पीठ दर्द ठीक कर दी उसने। उसने किसने भाई? अरे वो क्या नाम अपना, रा डमरू पहलवान मारा दोस्त। अरे भाई साहब आप भी बताओ ना कुछ। के बताऊं, डमरू की तरफ बजा दिया उस पहलवान ने। जहां जहां दर्द नहीं भी था ना, वहां का भी दर्द गायब कर दिया मारा। सारी जिंदगी ना भूलूं यो डमरू पहलवान। कैसा ये